द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन टेम्पल, जिसकी शुरुआत श्रील प्रभुपाद जी ने की और जब तक वे जीवित थे 108 इस्कॉन टेम्पल की स्थापना हो चुकी थी और आज की तारीख में 800 से भी ज़्यादा इस्कॉन टेम्पल वर्ल्ड वाइड हैं। सो जॉइन अस इन द जर्नी ऑफ एक्सप्लोरिंग दिल्लीज़ बिगेस्ट इस्कॉन टेम्पल विच इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ कैलाश। So right now we're in the premises of ISKCON temple and इस temple को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? श्री श्री राधा पारसार्थी मंदिर। Exactly, and ISKCON temple के just सामने एक पार्क भी है जिसका नाम है कृष्ण जयंती पार्क। And this is such a beautiful place क्योंकि फरवरी का महीना है, धूप भले ही हमारे बिल्कुल फेस पे काफी हार्शली पड़ रही है लेकिन उसी के साथ ये जाती हुई ठंड की जो ठंडी ठंडी हवा है ना, ये इस ट्रिप को और सूदिंग बना रही है। सो चलते हैं सीधा मंदिर की ओर। सो अभी हम आए गेट नंबर 1 से, मैं पहली बार ISKCON temple आ रहा हूँ। सिद्धार्थ, what's for you? हाँ, तो वृंदावन में मैं गया हूँ एक बार ओपन और बस थोड़ी देर के लिए गया था, तो यहाँ पहली बार आया हूँ मैं। दिल्ली में रहते हुए यहाँ इससे पहले कभी आए नहीं है, तो सेम बहुत, बहुत मन था यहाँ आने का। तो एक्चुअली दिल्ली में काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम जनरली नहीं जाते, ठीक है, बट जब एक टाइम आ जाता है तो जगह अपने आप बुला लेती है। सो ये कालिया नाग और श्री कृष्ण की फाइट के बारे में है जो कि यमुना में हुई थी जब कालिया नाग ने उसको पॉइजनस कर दिया था यमुना रिवर को, एंड इनफैक्ट इसको लग के पूरा का पूरा एक गार्डन है। तो जैसे आप टेंपल में एंटर करने जाते हो आपको सबसे पहले दिखते हैं विजया और जया जो कि विष्णु जी के द्वारपाल हैं, एंड एंट्रेंस के जस्ट पीछे आपको दिख जाएंगे गरुड़ देव जो कि विष्णु जी की सवारी भी हैं। जैसे ही आप मंदिर के मेन भवन में एंट्री करेंगे यहाँ आपको श्रीला प्रभुपाद जी की प्रतिमा दिखाई देगी जो कि इस्कॉन के फाउंडर भी हैं, और ऊपर की तरफ अगर आप नजरें करेंगे तो कृष्ण जी से जुड़ी लीलाएं आपको चित्रों के रूप में दिखाई देगी जिसके बीचों बीच एक झूमर लगा है जो कि बहुत सुंदर दिखाई देता है। इस भवन में आपको श्री श्री गौरानिताई, नरसिम्हा अवतार, श्री श्री राधा पारसार्थी जिनके नाम पे मंदिर भी है, सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की बेहद सुंदर प्रतिमा देखने को मिलेगी। ये जो लाइट हार्टेडनेस है और ये जो पूरी एक्साइटमेंट है, दिस मेक्स इस्कॉन टेम्पल सो स्पेशल। अभी हम यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं एंड यहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं जो एक्चुअली बहुत ही एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग दिस। This is good. मैं कहूँगा आपकी लाइफ जितनी स्ट्रेसफुल चल रही है, ब्रॉड परस्पेक्टिव में कहूँ जो भी चल रहा है, आधे घंटे एक घंटे के लिए भी आप अगर आप टाइम निकाल करके आते हो, लोग कहते हैं कि मेडिटेट करो, काफ़ी सारी चीज़ें करो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर आप आधे घंटे या एक घंटे के लिए भी यहाँ पर आते हो सो यू कैन एक्चुअली फील अ रिलीफ, बिकॉज अभी जब हम सबकी एनर्जी देख रहे थे सो इट लिटरली लाइक इट वॉर्म्स योर हार्ट। सो कहने के लिए आलू पूड़ी है, बट इसका जो पूड़ी है वो नॉर्मली आटे या फिर मैदा से ना बना के कुटू के आटे की बनाई है क्योंकि नवरात्रों में लिटरली हमारे घरों में यही बनता है, एंड यहाँ पे जो आप नॉर्मली भी खाना खा रहे हो, ठीक है, आप भूखे हो तो यहाँ पे यही सर्व करा जाता है, विच इज़ एक्चुअली वेरी नाइस है। और या तो हो सकता है कि आज एकादशी और उसमें व्रत रखते हैं तो शायद ये भी रीज़न हो सकता है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी है जो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है, यूजुअली जब भी हम प्रसाद लेते हैं या फिर ऐसे कुछ फूड स्टॉल पर रहते हैं तो दो तरह की प्लेट बहुत कॉमन हो चुकी है, विच इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल थर्माकोल या फिर आपकी जो नॉर्मल पेपर प्लेट्स आती हैं वो, ठीक है। यहाँ पे जो यूटेंसिल्स हैं, जो स्पून है आपका, ये तो बैम्बू है लेकिन जो आपकी प्लेट है इट्स लाइक अ प्रॉपर पत्तल, जैसा हम लाइक पुराने टाइम्स में हमारे जो पूर्वज थे इसी में खाना खाते थे, हमें खाते हैं गाँव में आज भी खाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस टच, एंड दिस व्हाट इज़ द शेप immersifies the whole experience of being here in the ISKCON temple. And अगर आप में से किसी को लग रहा है कि ये लाइक ISKCON temple का खाना है तो थोड़ा सा लाइक bland होगा in terms of spices, तो definitely not. सब्जी actually काफ़ी spicy है and खाने में मज़ा आ रहा है। Usually क्या होता है कि जब हम व्रत का खाना बनाते हैं तो उसमें spice level काफ़ी कम होता है, मेरे घर में तो एटलीस्ट काफ़ी कम होता है, बट दिस इज एक्चुअली स्पाइसी, हमें मज़ा आ रहा है खाने में। सो थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद
आपको यहीं पे बगल में मिल जाएंगे काफ़ी सारी गिफ्ट शॉप्स और लाइक कपड़ों की दुकान, बुक्स वगैरह की शॉप्स। सो यहाँ से आपको जो भी मन करे आप ऑब्वियसली शॉप कर सकते हो। एंड अंदर तो हम नहीं गए बट आई एम प्रीटी श्योर कि काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें ज़रूर होंगी। सो उस मंदिर को जिन्होंने डिज़ाइन किया था, बिल्ड किया था, जो उसके आर्किटेक्ट थे, उनको पद्मश्री से नवाजा गया 1974 में। ये जिस तरीके से बिल्ट हो रखा है तो हमें काफ़ी चीज़ें लगी कि लिटरली ये वर्थ इट था। क्योंकि अगर ऐसा होता कि यूजुअली टेम्पल्स होते हैं कि एक थोड़ा सा ना फ्लैट बॉटम में ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन ये जो है वो काफ़ी लाइक एक लेयर्स में बना रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें काफ़ी अच्छी लगी, लाइक ये एक नाइस टच था। लेकिन उससे भी बेहतर एक्सपीरियंस यहाँ आपको आके मिलेगा। यहाँ पे आई थिंक जनरली क्या होता है कि मंदिरों में थोड़ी भीड़ भाड़ जब ज़्यादा हो जाती है तो क्योस मचने लगता है, एंड वो जो लाइट हार्टेडनेस था वो सबके अंदर था। कभी कभी क्या होता है कि मंदिरों में जब भीड़ लगने लगती है तो लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हाँ पहले मेरे को दर्शन करना है या फिर पहले मेरी आरती की जो थाल है वो चढ़ा दो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत पेशेंटली लोग खड़े हुए थे, दर्शन ले रहे थे। और सबसे ज़्यादा मुझे देखने में मज़ा पता क्या है, क्या कि जो म्यूजिशियन थे ना, जो गा रहे थे और जो झूम रहे थे, वो एकदम ना एंजॉय कर रहे थे। और कृष्ण जी का ऑरा है तो फिर किसको फील नहीं होगा। परफेक्ट, उन्हीं के ऑरा में सब हैं। परफेक्ट, तो अभी हम जा रहे हैं वैदिक एक्सपो। यस, और यहाँ पर हम शो देखने वाले हैं, दो शो हैं। यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी भगवद गीता भी रखी है। भैया ने हमें बताया ये जो भगवद गीता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका हर एक पन्ना रोज़ पलटा जाता है, एंड ये जापनीज टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, जिसका जो ये पेपर है इट्स फायर प्रूफ एंड इसको आप नहीं फाड़ सकते, एंड इसको पलटने के लिए भी दो बंदे लगते हैं। अब ये पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम पे है तो ये पूरा डाउन होता है, यहाँ से पूरा डाउन होता है और उसके बाद एक इंसान यहाँ पे खड़ा होके एक वहाँ पे खड़ा होके उसके बाद इन पेजेस को पलटता है। एंड एज आई सेड यहाँ पे हर रोज़ इसको लाइक एक पेज पर डे चेंज करा जाता है, विच इज़ एक्चुअली वेरी क्रेजी। वॉट एंड एक्सपीरियंस। एक शो था हमारा वैदिक कल्चर का और एक शो था हमारा कृष्ण ज्ञान का। तो ये दोनों शो थे, एक 30 मिनट्स का था जो कृष्ण ज्ञान वाला था और एक वैदिक कल्चर वाला 45 मिनट्स का टाइम। दोनों एक्सपीरियंसेस में ऑलमोस्ट सेम लगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बस जो हमारा भगवद गीता वाला था वो थोड़ा सा ज़्यादा और इमर्सिव था, ठीक है, क्योंकि उसमें लाइट शोज और लाइक लाइटिंग इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुए थे, एंड दिस वाज डेफिनेटली अ हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस। और वर्थ इट था, मुझे वर्थ इट लगा प्राइस के हिसाब से। एग्जैक्टली, इसकी हमारी टिकट थी। जिसने महाभारत देखी है, यस, तो वो ज़्यादा उससे रिलेट कर पाएगा। बेसिकली उन्होंने बहुत ही मेजर पोर्शंस लिए जिससे वो जो पूरा इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो और बेटर हो जाता है। क्योंकि आप किसी थिएटर में नहीं हो, ठीक है, आप लाइव वहाँ पर हो, ठीक है। एंड मैं इसे शायद वर्बली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए अगर आप इस्कॉन टेम्पल दिल्ली आ रहे हो सो दिस इज़ अ मस्ट डू थिंग। एंड अ स्पेशल मेंशन टू ऑल द लाइक सेट डिज़ाइनर्स जिन्होंने इस पूरे एक्सपीरियंस को डिज़ाइन करा है। बिल्कुल, स्पेशली द लाइटिंग, ठीक है, बिकॉज एक सेगमेंट आया था भगवद गीता वाले में जहाँ पे एक्चुअली जो तमस रजस वाला जो सेगमेंट था, दैट वॉज अमेजिंग, अमेजिंगली एंड ब्यूटिफुली डिजाइंड। क्योंकि इफ़ यू नोटिस्ट वहाँ पे एक्चुअली ब्लैक लाइट का भी यूज़ करा हुआ था। जिन लोगों को नहीं पता ब्लैक लाइट क्या होती है, एक बार सर्च करना, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं एक्सप्लेन करने गया। रेडियो एक्टिव पेंट्स, इन सब का भी यूज़ करा हुआ था। सो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी हैं, ऑल आउट गए हैं जो उनकी पूरी टीम थी। सो हैट्स ऑफ टू देम। सो दिस वॉज डेफिनेटली अ वर्थ इट एक्सपीरियंस, एंड स्पेशली अगर आपके पास टाइम है तो आप वैदिक एक्सपीरियंस जो हमारा एक्सपो राइट्स थी वो ज़रूर करना, बिकॉज दैट इज़ अ वर्थ इट थिंग। एंड सिद्धार्थ, व्हाट डू यू फील? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो सबसे मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद आया, सबसे पहली बात आरती, ठीक है, म्यूजिक, वो जो एनर्जी थी ना पूरे एनवायरमेंट में। सो अभी 5 बज रहे हैं एंड हम सुबह अराउंड 11 बजे यहाँ पे आ गए थे। 11 बजे आने के बाद हमने पूरा इनकी जो फैसिलिटी है, जो इनका प्रमाइज है, हमने पूरा घूमा, एक एक चप्पा नहीं छोड़ा हमने, कुछ नहीं छोड़ा, दिस इज भी नहीं। एग्जैक्टली, दिस इज फॉर अ फैक्ट। एंड लिटरली बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड बहुत कामिंग तरीके से आप यहाँ पे घूम सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे मेडिटेट करने के लिए आ सकते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस है आप उसको दूर करने के लिए आ सकते हो। लेकिन अगर आप दिल्ली में हो या दिल्ली विजिट कर रहे हो एनी टाइम सून, या फिर जब भी आपका मन है विजिट करने का, दिस इज़ अ मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन इस्कॉन टेम्पल दिल्ली। सो इतने था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना मत जाना, एंड सब्सक्राइब टू ऑल गुड, सब्सक्राइब कर दो।